सेक्शन आपका बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश अवेलेबल नहीं होगा कुछ अवेलेबल नहीं होगा ना किसकी बात हो रही है देखो। इस सब आपको पता चलेगा ना दिमाग में आप पढ़ते जाओगे इंग्लिश बनती जाएगी पढ़ते जाओगे इंग्लिश बनती जाएगी हाजिर हूँ आपका काम आसान करने के लिए नोट के साथ राइट आप बोल के मैम आज आपने इंग्लिश बुक क्यों हाथ में पकड़े हो आप तो पकड़ते नहीं हो आप बुक उठाते नहीं हो चलो मैं ही उठा लेती हूँ <laughs> चलो जोक जोको so, आज की वीडियो देखो सिंपल सी भाषा में आप नॉवेल सेक्शन से बच्चे डरते स्ट्रेट टू द पॉइंट नॉवल सेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का आने वाले उसमें कोई पैसेज अवेलेबल नहीं होगा कुछ अवेलेबल नहीं होगा पूरी की पूरी स्टोरी आपको पढ़ के जानी और आपके टेक्स्ट बुक में स्टोरी को ऐसा लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ टैक्स ओनली टेक्स मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते कहीं सो ना जाए पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत बोर हो जाएगा बट इसके अंदर जो स्टोरी लिखी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है तो अगर वो स्टोरी को आपको कोई इमेज में कलरफुल नोट्स में कन्वर्ट करके दे दे तो कितना मजा आ जाएगा ना सो वही चीज मैंने करी हूं पिछले साल उससे पहले भी कितने बच्चों ने इसी नोट्स से पढ़ के अपना नॉवेल सेक्शन क्रैक किए एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के कितने बच्चों के एंड मोमेंट में हाथ में मेरी नोट्स हुआ करती थी एंड uh, ये नोट्स बहुत से बच्चों की हेल्प की है ये जो मैं अभी आपके सामने लाई हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी तो आज की वीडियो में मैं आपको नॉवल नंबर वन एंड नॉवल नंबर टू की नोट्स देने वाली हूं जैसा पीडीएफ है पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएगी इसमें पूरा हो रहा है इंस्ट्रक्शन भी होगा जैसे मैं आपको बताइएगा नॉवल नंबर वन में आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो साफ साफ लिखा है नॉवल नंबर वन की नोट्स है ना तो इसमें लिखा है देखो भाई चार मार्क्स लिए आएगी नॉवल नंबर वन से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए कुछ चीज बाय हार्ड मत करते बैठना ओके उसके बाद इस नोट में क्या क्या इंक्लूडेड है सब डाल दी हूं लिख लिख के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है 2022 में इस नॉवल से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे दो हजार में कौन से आए थे सब लिख के इस एकमात्र नोट्स में नोट नंबर वन की बात हो तो भाई ये पीडीएफ आपको कैसे भी करके अपने साथ रखना है चलो आ जाओ देखो कितना मजा आएगा पूरा एक्चुअल में वो कैसे दिखती है ठीक है देखो नॉवल का मीनिंग क्या है कितने टाइप के नॉवल है ठीक है फिर आपके पूरे का पूरे चैप्टर जो नॉवल है जिसमें जो पूरा थ्योरी तरीके से लिखा गया पैराग्राफ में उसको मैं पूरा ऐसा कन्वर्ट कर दी अब ये देख के फटक से दिमाग में बैठेगा कि भाई अठारह सेंचुरी को इंग्लिश लिटरेचर ने दो गिफ्ट दिया एक गिफ्ट था प्रियोडिकल ऐसे दूसरा गिफ्ट था नॉवल और नॉवल ने स्पेशली क्या किया 18 सेंचुरी की स्पिरिट को पकड़ लिया कौन-कौन सी स्पिरिट इंटेलेक्चुअल सेंटीमेंटल रियलिस्टिक एंड इंस्ट्रक्टेड मजा आ रहा है कि नहीं जल्दी बताओ सोचो पूरी नोवेल को कन्वर्ट कर दिया ऐसा दिमाग लगाओ कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने के लिए आपके लिए सिर्फ इसका फायदा जरूर उठाना ठीक है मजा आ जाएगा और यही चीज आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी तो ये आप लेके साथ में बैठोगे ना बोल भाई ने तो कमाल कर दी है मजा आ गया ठीक है ऐसी और ज़रूरत पड़ी है वहां पे फोटो भी मतलब कुछ ऐसे आइकॉन भी है।, की सबसे पहली पे की लगी है यूरोपियन के फर्स्ट नॉवल तो यूरोप का झंडा लगा हुआ है न्यूज पेपर मैग्जीन बीच बीच में छोटी छोटी चीज लगी हुई है ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे राइट ये देख लो मेजर नॉवलिस्ट ऑफ एटीन सेंचुरी आपके टेस्ट में बस नाम लिखे हुए यहाँ पे तो सीधा नॉवल ही लगा दी कि भाई नॉवलिस्ट अठारह सेंचुरी के कौन कौन से है पिलग्रिम प्रोग्रेस है है और उनका फोटो बुक ही लगा दी कि आप पढ़ो नहीं वो बुक देख लो कि ये सब बुक है ठीक है तो ये आपको क्या करना है बुक के नाम बस याद रखना डेनियल डॉफी ये देखो ऐसी ये सब बुक थी इतना मजा आएगा ना ऐसा पढ़े तो और ये सब जो ब्लू आपको हेडलाइन दिख रही है ये सब मेन टॉपिक है ठीक है और बाकी सब अपनी सब टॉपिक है समझ में आ गया इंडिया की सबसे पहली नॉवल थी ये टेक्स्ट बुक में कहीं भी फोटो नहीं है कुछ नहीं है मैंने कर दी ठीक है इंडिया के फर्स्ट नॉवल क्या है राजमोहन वाइफ ऐसी थी फायदा उठाओ कहाँ मिलेगा आपको ये चीज आपको ये चीज मिलेगी नाज एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करना है ऊपर आपको दिखेगा ओवरऑल कंटेंट लाइव क्लासेस तो कंटेंट पे क्लिक करना फ्री नोट्स पीडीएफ पे क्लिक करना एंड आपके सामने सब आ जाएगा जो मैं यूट्यूब स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हूँ वो चीज आपको इधर दिखेगी फ्री पीडीएफ में तो अपना टॉपिक क्या है भाई नॉवल नंबर वन की नोट्स चाहिए इस पर आप क्लिक करोगे नॉवल नंबर वन की नोट्स ओपन हो जाएगी पढ़ना मस्त बैठ के अब आते हैं नॉवल नंबर टू के ऊपर नॉवल नंबर टू का नाम क्या है टू सर विथ लव सेम फॉर्मेट इसमें भी सब इंक्लूडेड रहेगा पी वाई क्यू आपका क्वेश्चन बैंक कितने बच्चों को पता नहीं होता कि बोर्ड कमेटी क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है हर साल इसमें क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूडेड है बोर्ड कमिटी एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है वो इसमें इंक्लूडेड बताओ ये देखो आप खुद देखो नॉवेल नंबर टू आपके सामने ओपन हुई इसको शॉर्ट थोड़ा थो इसमें क्या होता था कुछ आपको ऐसा आइडिया मिलेगा भाई पे क्या हो रहा है आप समझोगे ना थीम तब ठीक है टू सर विध लव एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ड की लाइफ के ऊपर ये नॉवेल है और उन्होंने खुद ही लिखे हैं तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है आगे बढ़े गए तब तो आपको ना सब बीच बीच में मतलब हार्ट बना हार्ट हार्ट इसलिए कि वो जो होते हैं दो लोग को एक दूसरे से लव हो जाता है क्योंकि नॉवेल में मूवी में जब तक लव एंगल नहीं डाले गए जब तक क्लाइमैक्स फाइटिंग नहीं डाले गए भाई कैसे चलेगा तो हर नॉवल में एक लव एंगल होता ही है और आपकी सारी नॉवल में कुछ ना कुछ लव एंगल है ही मतलब इसका इससे जुड़ा ही है ठीक है तो ऐसा है ठीक है अभी देखो यहाँ से अपनी नॉवल एक्चुअल कि 15 नवंबर को स्टूडेंट लोग रिपोर्ट देने आते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं राइट ऐसा करके पूरी पूरी नॉवेल आपकी कन्वर्टेड है शॉर्टकट भी दर पे बहुत लिखा गया है ताकि आपका काम आसान हो ये सब फोटो ऐसी रैंडमली डाली गई है वो आपके चैप्टर से रिलेटेड है ये ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे होते हैं तीन लोग बैठे होते हैं ठीक है जोसेफ जे से जोसेफ है एफ से Uh, एक उनके प्रिंसिपल होते कोई फ्लोरिन नाम के और डी से है ठीक है यहां देख लो ये है जिसकी मैं बात कर रही हूं ना जिन्होंने ये नोवेल को लिखे है और जिनकी लाइफ पर आधारित ये नोवेल है वो है ये इंसान जिनका नाम है एडवर्ड रिकार्डो ओके सो so, यस yes, ये पूरे नॉवेल तो पहले तो कवर हो जाएगा देखो बीच में बहुत सारी चीजें दिखेगी जैसे कहीं पे हार्ड वर्ड आ गया राइट तो तो उसका मतलब क्या है? गेलोज, गेलोज लिखा तो क्या है 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 लिखा हुआ ये ये चीज है। ये जो पूरा पूरा का आपको वुडन दिख रहा है तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया ना ये गैलॉस किसकी बात हो रही है देखो कितना प्यारा लग रहा है तो आपको पता चलेगा ना दिमाग में आप पढ़ते जाओगे इमेज बनते जाएगी पढ़ते जाओगे इमेज बनते जाएगी तो आपकी पूरी स्टोरी सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ पाओगे ठीक है अभी देखो ये पूरी नॉवल ऐसी चलती रहेगी पूरा फिनिश हो जाएगा एंड में आपको क्या दिखेगा जैसे मैंने आपको बताई कि भाई प्रैक्टिस करते चलो और फिर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये कौन से है? जो बैंक में, खुद बोर्ड कमेटी ने रिलीज की थी फिर दो में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो इधर पे है और दो में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी है बताओ और क्या चाहिए सब कुछ एक जगह एक ही नोट से आ रहे होगा सो फायदा उठाओ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ओके एंड बस अच्छे मार्क्स लाओ यार एक टीचर को और क्या ही चाहिए ओके? Okay? और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो अच्छा प्लेसमेंट उठाओ लाइफ में अच्छा करो करियर बनाओ और क्या ठीक है सो so, इसके साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए मैं उस पर जरूर एक्शन लूंगी इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं टिल देन बाय बाय जल्दी से डाउनलोड कर लो नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड करो कंटेंट सेक्शन में जाओ फ्री पीडीएफ नोट पे क्लिक करो एंड आपको यहाँ पे सारी चीज मिल जाएगी ठीक है सो यस बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल चलो पढ़ लो कुछ बहाना नहीं चाहिए जल्दी बाय बाय